हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं डॉक्टर के एल गुप्ता एम एल अग्रवाल की बुक का। आपको बताना चाहते हैं, कहता है 4th नंबर, कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट। आपसे कारखाना लागत की गणना करने के लिए कह रहा है। कहता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 29,400, डायरेक्ट वेजेज 10,600, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 1,000, इनडायरेक्ट वेजेज 3,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 4,000, क्लोजिंग 5,000। एक नई चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत की गणना। अपनी कॉपी में लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत की गणना। कारखाना लागत की गणना, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट कारखाना लागत किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा प्राइम कॉस्ट निकाला जाता है। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? फैक्ट्री खर्चा जोड़ते हैं तब वर्क कॉस्ट आता है। क्वेश्चन में दिया है, देखो बच्चा, डायरेक्ट मटेरियल 29,400 रुपये। कैसे? अपनी कॉपी में लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल 29,400 रुपये का। डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने का दिया है? डायरेक्ट लेबर यानी कि डायरेक्ट वेजेज 10,600 का, ठीक है। चाहे डायरेक्ट लेबर कहो चाहे डायरेक्ट वेजेज कहो। और आपको बता दूं मैं एक चीज़ और, लिख लेना, बहरहाल इसमें दिया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखना, जब हमें कोई सामान बनाना हो, हमारे पास मटेरियल चाहिए, हमारे पास लेबर यानी कि वेजेज चाहिए, हमें कोई सामान बनाना हो, शर्ट बनाना है तो अपने यहाँ थोड़ी बन जाए, कपड़ा लागी कपड़ा मटेरियल में आएगा, बटन लागी धागा लागी, ये क्या है? मटेरियल में आएगा, ये मटेरियल में आएगा। दर्जी सिए, दर्जी क्या कहलाएगा? दर्जी लेबर कहलाएगा ना। और खर्चा में जो आवे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आता इसमें, जहाँ आएगा तहाँ आएगा, तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। इसमें कुछ नहीं है, नहीं दिया बच्चा लागत, जोड़ लेंगे 29,000 रुपया प्राइम कॉस्ट आया। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। याद रखिएगा, मटेरियल में लेबर जोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दो, ये हमारा कपड़ा है, शर्ट है, ऐसे नहीं सिया गया होगा, ये में बटन लगी है, धागा लगा है, कपड़ा लगा है, मटेरियल हो गया। एक का दर्जी सिया होगा तो लेबर हो गया, ठीक है। एक का बोली है मूल लागत, इस शर्ट को बनाने में 40,000 रुपया लगा है, याद रखिएगा। मतलब शर्ट बहुत शर्ट रहोगी ना, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, इस शर्ट को बनाने में 40,000 रुपया लगा है, ठीक है। आपको आगे ध्यान देना है, इतना हो गया ना। अब देखा, ऐसे कपड़ा ना सिएगा भैया, इस शर्ट ऐसे नहीं सी गए, मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, एक ही मशीनों हुए, एक ही मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन में तेल लागी, ग्रीस लगेगी, डिप्रिसिएशन लगेगा, मतलब घिस जाएगी, उक्त खर्चा लिखा जाएगा। जहाँ पर मटेरियल को ले जाया जाता है, लेबर को ले जाया जाता है, जहाँ पर लड़का चला जाए, मास्टर चला जाए, तो का बोलिए? कोचिंग, पढ़ाई के लिए, उसको क्या बोलेंगे? स्कूल। हुआ बेंचो लागी, हुआ लाइटो लागी, लगे कि नहीं लागे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से संबंधित खर्चे, कारखाना उपरिव्यय, क्वेश्चनों में बोल रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गलती हुई है हमसे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है यार 2,000, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को भूला सुबह घर चले आवे तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह को भूला शाम घर चला आवे तो 2,000 रुपया 42 हो गया, बात खत्म। इतना भाषण दिए, सारा भाषण भी ख़राब हो जाता।
फैक्ट्री ओवरहेड भैया कह रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है जैसे कि जो फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में कुछ भी खर्चा होगा थोड़ा मोड़ा, फैक्ट्री में जाएगा कितना, इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का दिया गया है, 1000 रुपये का, यहाँ आएगा इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज किसे कहते हैं, मजदूरी। जैसे आप समझ लीजिएगा कि कोई एक फैक्ट्री होगी, जो लेबर काम करते हैं उसको लेबर बोला जाता है, इनडायरेक्ट लेबर उसे बोला जाता है जो पानी उन्हें पिया हुए, जो सिलाई मशीन का काम ना करें, ना, इनडायरेक्ट वेजेज हो गया। 1000 रुपया दिया है, नहीं 3000 दिया है। उसके बाद क्या दिया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस, याद रखिएगा कितना पहले जोड़िए, 3 × 1 = 4000, कितना हो जाए 46000। प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक आप वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ा जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कार्य प्रगति पर है, पहले से ऐसे कुछ शर्ट थे जिनमें सब कुछ हो गया था, बटन नहीं लगी है, वो माल कितने बचा है, वो माल है 4000 रुपये का, कितना हो जाएगा 50000 रुपये का, पहले से कुछ थे उनको कंप्लीट किया जाएगा जो हो सकेगा, करेंगे लेस करेंगे। अब की वाला क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना, 5000 रुपये का, 45000 रुपया क्या आएगा आपका, 45000 रुपया आएगा मटेरियल, सॉरी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे, कारखाना लागत बोलेंगे, जो मन कहे वह लिख लीजिए। ये चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये सब जो फैक्ट्री के अंदर खर्चा हुआ उसे फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाता है, ठीक है। जो प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो वर्क कॉस्ट आता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अगली क्लास में अगला वीडियो